गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? बेटा ठीक हो? बेटा आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बेटा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स मीन होता है बेटा, जो हम कंप्यूटर आज के समय में देखते हैं वो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम बनाया गया था या उसके कुछ समय बाद बनाया गया था वो वैसा नहीं होता था। धीरे धीरे उसमें एक एक करके कुछ ना कुछ बदलाव किए गए और वो आज के जो हम कंप्यूटर देखते हैं वो हमारे सामने आया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कीबोर्ड, माउस, एलसीडी, प्रिंटर ये सब देखते हैं, स्टार्टिंग ये ऐसा नहीं था। ये बहुत बड़े साइज के होते थे और इन पे काम करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था। इस लेसन में लर्निंग इन दिस चैप्टर हम इस लेसन में पढ़ेंगे बेटा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, अर्लियर आईटी इन्वेंटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वेरियस कैलकुलेशन डिवाइस, एनिक एंड वैनिक वन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ इन दिस प्रेजेंट एरा हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोस्ट एडवांस्ड मशीन नोन एज कंप्यूटर्स। आज के टाइम में हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं कहीं ना कहीं से एक मशीन से प्रभावित है जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। इनिशियली कंप्यूटर वर यूज ओनली बाय द साइंटिस्ट एंड द इंजीनियर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वर वेरी एक्सपेंसिव, बट नाउडेज कंप्यूटर आर चीपर एंड इवन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल कैन अफोर्ड देम। आज के टाइम जो हम कंप्यूटर देखते हैं वो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बेटा ऐसा नहीं होता था। स्टार्टिंग में सिर्फ साइंटिस्ट और इंजीनियर इनका इस्तेमाल करते थे और वो भी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे। लेकिन आज के समय हम चीपर हैं, हम उसको घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर हैव नाउ बिकम अ बेसिक एंड नीड बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज लेवल ऑफ यूटिलिटी इन द मोस्ट एवरी वर्क स्पेस। कंप्यूटर जो है आज हमारे बेसिक नीड बन गया और उसका डे बाई डे यूज बढ़ता जा रहा है। यूटिलिटी मतलब उसका यूज। कंप्यूटर्स आर यूज एक्सटेंसिवली इन द बैंक, हॉस्पिटल, मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्कूल, होम्स, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, रेलवेज, एयरपोर्ट एक्सेट्रा। कंप्यूटर का एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यूज हो रहा है, कहाँ? बैंक, हॉस्पिटल, मीडिया, एंटरटेनमेंट आदि, इन सब के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। द टर्म कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूट, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है? कंप्यूट वर्ड से, विच मीन्स टू कैलकुलेट, बट आ कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू परफॉर्मिंग ओनली कैलकुलेशन। A computer is a versatile device that can handle different application at the same time. Computer word, compute word से शब्द से आया है, word से आया है, जिसका मतलब सिर्फ computer का मतलब आज के समय में calculation ही करना नहीं, उसके अलावा वो अलग अलग application same time पे करता है, mean multitasking और है वो। डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर कम इन एग्जिस्टेंस? क्या आप जानते हैं कंप्यूटर कैसे हमारे सामने आया? द प्रेजेंट डे इज कंप्यूटर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिवाइसेज दैट वर इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशन। जो हम आज के समय में कंप्यूटर देखते हैं वो पहले से बनाए गए कंप्यूटर मुकाबले क्या था? डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर कम इन एग्जिस्टेंस? तो क्या तुम जानते हो जो कंप्यूटर हमने बनाया वो कैसे हमारे सामने आया? द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिवाइस डेट वर इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशन। जो पहले कैलकुलेटर डिवाइस बनाए गए थे और अब बनाए गए हैं उनमें कैलकुलेशन करने में डिफरेंस यानी कि अंतर था। लेट अस ग्लैंस थ्रू थ्रू द मेजर माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ द कंप्यूटर लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर। आओ हम आज वाले कंप्यूटर की जर्नी को जानते कि वो माइलस्टोन में कैसे उन्होंने जर्नी की। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। द नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ नंबर्स लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द डिफरेंट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम एबैकस द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस। मैनी डिवाइसेज वर इन्वेंटेड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी काउंटिंग वाला डिवाइस अबाकस था, जिसके बाद काफ़ी सारे
कैलकुलेशंस के लिए डिवाइस बनाए गए और वह कंप्यूटर के डेवलपमेंट में एक भाग बना या हिस्सा बना। वेरियस कैलकुलेटिंग डिवाइस 3000 पीसी अबाकस अबाकस वाज़ द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर द कैलकुलेशन। इट वाज डेवलप्ड इन चाइना। अबाकस पहला मैकेनिकल डिवाइस था कैलकुलेशन के जरिए इस्तेमाल होता था, कि चाइना में बनाया गया था। इट वाज मेड ऑफ वुडन फ्रेम विद रोड्स ईच हैविंग बीट्स। इसलिए क्या था, लकड़ी का एक फ्रेम होता था बेटा जिसमें रोड्स के साथ बना था, उसमें बीट्स होती थी जैसे कि आप 1.1 फिगर में देख सकते हैं। द फ्रेम वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हेवन एंड अर्थ। जो कंप्यूटर में जो फ्रेम था वो दो भागों में बाइट था, हेवन एंड अर्थ। हेवन यानी कि ऊपर वाला पार्ट और अर्थ में नीचे वाला पार्ट। ईच रोड इन हेवन हैज़ टू बीट्स एंड ईच रोड इन अर्थ हैड 5 बीट्स। जो हेवन होता था उसमें दो बीट्स होते थी और अर्थ में 5 बीट्स होती थी। अबाकस वाज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अबाकस का यूज़ हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए करते थे। पास्कलेंस एडिंग मशीन। ब्लेज पास्कल अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। ब्लेज पास्कल जो कि फ्रेंच एंड की फ्रांस देश से था, वो मैथमेटिशियन था। इन्वेंटिंग एंड एडिंग मशीन कॉल्ड पास्कल्स कैलकुलेटर एट द एज ऑफ 19 इन द ईयर 1642 में 19 साल की उम्र में ब्लेज पास्कल ने एक एडिंग मशीन बनाई जिसको हम पास्कल कैलकुलेटर बोलते हैं। इट यूज गियर्स, व्हील्स एंड डायलिंग। इसमें गियर्स, व्हील और डायलिंग होते हैं। On this machine, number were displayed by the rotating the wheels. इसमें मशीन में हम काफ़ी सारे पहिए इनके व्हील्स दिखाए गए हैं। इट वॉज कैपेबल फॉर द कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन। इसकी इसमें क्या थी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करने के योग्य थी। द गियर प्रिंसिपल वॉज फर्दर एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेटर। टैक्सीमीटर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मैकेनिकल कंप्यूटर। टैक्सी का जो मीटर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बेटा। लेनिबेज कैलकुलेटर। लेनिबेज द फेमस जर्मन मैथमेटिशियन इम्प्रूव ऑन द पास्कल्स मशीन इन 1671 टू मेक लेनिबेज कैलकुलेटर। इट वॉज अ मैकेनिकल डिवाइस। लेनिबेज जो कि जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने पास्कल मशीन पर थोड़ा सा और काम किया और उसको इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करने के बाद एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया। इसमें इसने क्या किया, अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मिंग एडिशन सब्सट्रैक्शन, जो कि ब्लेज पास्कल में हम सिर्फ एडिंग और सब्सट्रैक्शन कर सकते थे, लेकिन इस कैलकुलेटर में हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते थे। अर्लियर आईटी इन्वेंटर चार्ल्स बैबेज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। He invented a working model of mechanical computer called difference engine in 1822, the analytical engine 1833. उसने मैकेनिकल कंप्यूटर पे काम स्टार्ट किया जिसको हम डिफरेंस इंजन बोलते हैं, और उसके बाद उसने एनालिटिकल इंजन भी बनाया। एनालिटिकल इंजन की 5 यूनिट्स होती हैं। एनालिटिकल इंजन हैड 5 यूनिट्स, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, माइल एंड कंट्रोल। दीज यूनिट्स वर्क लाइक अ मॉडर्न कंप्यूटर। ऑल द कंप्यूटर दैट आर यूज नाउडे आर बेस्ड ऑन इट। कंप्यूटर में ये यूनिट मिलके मॉडर्न, जैसे हमने पांचों यूनिट पढ़ी, ये सभी मॉडर्न कंप्यूटर की तरह ही दिखती हैं और जो कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर पे ही बेस्ड हैं। स्टोर वाज यूज्ड टू स्टोर शॉर्टिंग द डेटा एंड माइल वाज यूज्ड एज अ कैलकुलेटिंग यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वाज यूज सुपरविजिंग ऑल द यूनिट, यानी कि कंट्रोल यूनिट सारे यूनिट्स को सुपरविजन उसका ध्यान रखती थी। लेडी अगस्टा एडा। लेडी अगस्टा एडा वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड अ राइटर। इंग्लिश एंड के ब्रिटिश राइटर और मैथमेटिशियन थी। शी इज चीफली नोन फॉर हिज हार्ड वर्क ऑन द चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन। उसने क्या किया बेटा, चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, उस पर काम किया और उसमें इम्प्रूवमेंट किया। और शी इज अ कंसिडर एज द फर्स्ट प्रोग्रामर हु सुजेस्ट द बाइनरी
डेटा स्टोर डेट इज़ 0 and 1 इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर। वो पहली प्रोग्रामर थी जिसने क्या किया, डेसिमल नंबर का प्रयोग ना करके बाइनरी नंबर, बाइनरी मतलब 0 and 1 का इस्तेमाल किया। जॉर्ज बुले वाज इंग्लिश मैथमेटिशियन। ही रिलीज दैट द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम कुड बी सोल्व बाय रिड्यूसिंग दम टू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। जॉर्ज बुले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने क्या महसूस किया कि हम कैलकुलेशंस को सोल्व कर सकते हैं कैसे, रिड्यूसिंग दम इन अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन हैविंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर, जिसके पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर होते हैं। ही लिंक दम विद द बाइनरी नंबर सिस्टम एंड रिप्रेजेंट द पॉजिटिव रिजल्ट बाय 1 एंड नेगेटिव 1 बाय 0। पॉजिटिव मीन 1 एंड नेगेटिव मीन 0 के रूप में हम उसको चीज़ को रिप्रेजेंट यानी कि देख समझते हैं। द थ्योरी ऑफ द बोलियन लॉजिक बिकम द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द डिजाइन कंप्यूटर सर्किटरी।